फूकिए पहले फूकिए। हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस रिचा एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज जो है दिन की शुरुआत करते हैं माता रानी के नाम से, बोलो जय माता रानी, जय माता दी। तो उन्हीं के नाम के जयकारे के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। कुछ भी स्पेल हो जाता है, ओ माय गॉड, जल्दी जल्दी में खांसी भी हो गया, गला भारी, सर्दी सा भी लग रहा है, पता नहीं मौसम चेंज होने की वजह से क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे फीलिंग नॉट वेल है, और साथ में इसकी बदमाशियाँ। तो आज शारदीय नवरात्रि डे 6 है, तो डे 6 मैं पाठ कहाँ से शुरू करने वाली हूँ, आज जो है अध्याय 9 से मैं पाठ स्टार्ट करने वाली हूँ। 7-8 मेरा हो चुका है कंप्लीट, 9 तक हो गया, उसके बाद मेरे पास में कितना बचा रहा है, 8 तो हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि 5 अध्याय अभी और बाकी है मुझे करने के लिए, और डेज बाकी है। अभी कैसे आज षष्ठी है, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, दिन भी 5 है, अगर एक एक भी मैं करूँ तो मेरा अब कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलिए और ये है हमारी कन्या रानी, जो कि मैंने अभी देवी माँ को भोग चढ़ाया था उसमें से उठा के ये प्रसाद खाना शुरू कर दी। अभी माँ को भोग भी नहीं लगाया और इसने फट से उठा लिया। नवरात्रि डे 6, कन्या पूजन डे भी 6, और ये अपने साथ साथ अपने आसन को भी लेके चली। हमारी कन्या रानी के भोजन में क्या है, तो आज जो है लड्डू, एक लड्डू तो पहले ही खा गया, जैसा कि मैंने दिखाया, पूजा कर रही थी उसी समय इसने भोग का ही लड्डू उठा के खा लिया, तो इसलिए आधा लड्डू ही मैं इसे दे रही हूँ, और दूध केला तो यही खाई है, ये पूरी वगैरह खाती है नहीं, तो तेल वाला आइटम भी है तो डिलीवरी देना सही नहीं है इसे, तो इसी वजह से दूध और केला। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी कि मैंने कन्या पूजन कर लिया है, मेरी पूजा भी हो गई है, तो अब डेली की तरह कन्या पूजन करने के बाद मैं जा रही हूँ पाठ करने के लिए, और उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि पाठ करते करते मुझे 11 से 12 बज जाने वाले हैं, उसके बाद खाना, हम दोनों अकेले हैं तो मेरे और आरू के लिए खाना बनाना है बस, उसके बाद शाम में बर्थडे पार्टी भी अटेंड करने जानी है। तो चलिए आपको फिर बर्थडे पार्टी में भी हम लोग लेकर जाएंगे। देखो अब फिर से इसका सामान फैलाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो इसने इतना सामान तो अपना फैला लिया है, अपने खिलौने को बस उठाना है सुबह उठते के साथ, हाँ, नाश्ता करने के बाद बस फैलाना शुरू। अभी फिलहाल तो बेचारी रख रही है उस बास्केट में, कंगन पहन लिया, मतलब पूरे घर को प्ले ग्राउंड बना के आपने रखा है। मम्मा को बस, हाँ वाह, उसको भी फेंक दिया, और कुछ बचा है फेंकने के लिए? अच्छा अच्छा, और दुपट्टा से क्या करिए, मम्मा का दुपट्टा लेके, मम्मा का दुपट्टा लेके आप क्या कर रहे हो, मम्मा का दुपट्टा दे दो, नहीं नहीं दोगे, अच्छा तो ओढ़ लो उसको, ओढ़ दो 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 दो। तो पेड़ बहुत ज़्यादा घने हो गए थे, इसलिए कॉलोनी में पेड़ काटने वाले आए थे, तो पेड़ की कुछ डालियाँ इन्होंने काट दी, जैसे कि वो सामने आप देख सकते हो नीम की डाली सब गिरी हुई है, तो उसमें से जिनको जिस तरीके से रिक्वायरमेंट थी वैसे उन्होंने अपने अपने हिसाब से ले लिया, किसी ने दातुन के हिसाब से तोड़ लिया, किसी ने छड़ी बना ली। तो अब आ चुके हैं हम लोग बर्थडे बॉय के घर पे, ये रहा हमारा बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे बेटू, हैप्पी बर्थडे ना,
हेलो अब तो जितना मार रहे उतना खींच फूको हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू अरे बोल लो भाई लकी हैप्पी बर्थडे टू यू अरे अब आ जाओ बारी बैठ से सब लोग फोटो खिंचाते हैं एक आदमी फोटो खिंचा दो आ जाओ भी खाचो फोटो एक एक आदमी बारी बैठ से आ जाओ बारी तुम भी आ जाओ हमारे साथ आ जाओ भाभी जाओ भाभी आएंगे भैया के साथ के और मेरे साथ अमित भाई से मेरे भाई से। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम सभी का फोटो शूट सेशन यहाँ पे चल रहा है, फोटो शूट हो रहा है, एक एक करके बारी बारी से हम सभी यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं। ऐसे टाइम पे ना सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ जाती है। क्या आ रहा होगा? रनिंग है केक लेके भागते हुए केक लेके भागते हुए रनिंग में रिमोट कहाँ रखा है? और यहाँ पे देखो बर्थडे किसी और का है और टोपी कोई और लगा रहा है बर्थडे बॉय। अरे वाह अरे वाह ओ तेरी अरे वाह ओए होए शर्मा भी रही है। ओहो एक बार सबको प्रणाम कर दो तो सबको प्रणाम कर दो। इसको देखो टोपी पहन के अपना मजे से घूम रही है जहाँ तेरा टोपी वही असूल रही है। बोल रहे टोपी का पैसा वही असूल दे रही है। देखो देखो इस लड़की को चलती कैसे ठुमक ठुमक के। तो केक कटिंग प्रोग्राम समाप्त हो चुका है और तो अब यहाँ पे सभी के लिए प्लेट तैयार की जा रही है। और ये रहे हमारे अतिथिगण। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सभी को चॉकलेट्स मिले, आरू को नहीं मिली उस टाइम पे, तो बेचारे ढूंढने लगे मेरा चॉकलेट कहाँ है मुझे भी तो कोई दे दो। शुभम से ही लेने लगी थी ये तो चॉकलेट। और देखो इसके बाद इसने दो चॉकलेट्स ले लिए, पता नहीं एक किसका ले रखा है इस लड़की ने। आरू तो हर गाने पे ही डांस कर लेती है, इसका भी क्या कहना। क्या हो गया प्लेट? देख लिया उसने।
और यहाँ पे आप लोग देखो साइकिल एक है और इसके लिए सवारियाँ दो दो हैं। एक कहता है मैं साइकिल पे चढ़ूंगा तो एक कहती है मैं साइकिल पे चढ़ूंगी। वो बेचारा अपना क्या सिफारिश करवा रही है, कोई तो सिफारिश साइकिल चलाऊंगी, ये सवारा नहीं चाहिए लेकिन देखो वहाँ उसको बोलने गई। अब आरू जो है लकी के पापा के पास चली गई है क्या तो शिकायत करने के लिए कि उसे साइकिल पे लकी बैठने नहीं दे रहा। देख कि आदमी भी चली गई है, कहाँ से क्या बोले पता है कौन है, लेके चली जाएगी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और लाइक और शेयर जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया ताजा लेकर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।